हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर टिक्का मसाला की बहुत ही बढ़िया, स्वादिष्ट और इजीली और हाँ 10 से 15 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। सच है, आप घर पे ना फुल वीडियो वॉच करो और भागो पहले पनीर लेने, क्योंकि घर पे तो होगा नहीं अवेलेबल। फिर उसको ना छोटे छोटे टुकड़े करके अंदर नमक, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन की पेस्ट ऐड होने के बाद 20 मिनट उसको रेस्ट होने दो। फिर उसको 2 चम्मच तेल में ना अच्छे से कुक करो। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको उसको ना पोंछा और नरम रखना है, इसके लिए फ्राई नहीं करने का, सिर्फ कुक करने का। अभी 2 चम्मच ना घी, जीरा, लौंग, चक्रफूल, तेजपत्ता, लाल मिर्च और मोहडेली उसको 1 मिनट तक कुक करो। साथ में ऑनियन, टोमेटो, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, दाना जीरा पाउडर, गरम मसाला, स्पेशल पनीर टिक्का मसाला, 1 चम्मच ना इलायची पाउडर भी मैंने यूज़ किया है, और 3 से 4 चम्मच दही और 1 गिलास पानी ऐड करके ना अच्छे से ग्रेवी रेडी कर दी। अभी सारा पनीर अंदर ऐड किया और साथ में नमक, धनिया के साथ उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए अच्छे से ना कुक किया, ताकि हमारी ग्रेवी सब काट हो जाए। अभी मैंने गरम गरम ही उसको सर्व किया। भैया मेरी तो हो चुकी है पनीर टिक्का मसाला की ये बहुत ही बढ़िया वाली रेसिपी रेडी। अभी इसको खाने की देर है, तो मैंने ना साथ में कुछ तो चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे लच्छा परोठा भी बनाया, अब बीज बनाया साथ में, और उसका वीडियो भी मैंने अलग से डाला है, आप उसको ना कर देना, बहुत ही बढ़िया वाला बना था वो भी। तो भैया आपको ना ये वाला वीडियो रेसिपी अच्छी लगी हो ना, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना, और नए हो चैनल तो सब्सक्राइब करके जाना। ओके, बाय बाय।